सो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आरडीएक्स एडिटर चैनल पे। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड, आज हम कुछ इस टाइप का एडिटिंग सीखेंगे, बैकग्राउंड को कैसे हार्ड ब्लर किया जाता है और फोटो को कैसे HD एडिट किया जाता है। देखिए फ्रेंड, बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड, हमें इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किए होंगे तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है RDX Editor 20, वहाँ पर जा करके फॉलो कर लीजिएगा। देखिए बिफोर एंड आफ्टर पूरा फुल HD आज बताएंगे फ्रेंड, कैसे हार्ड ब्लर किया जाता है और फुल HD एडिट किया जाता है फोटो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने पिक को शेयर कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। शेयर करने के बाद फ्रेंड देखिए पिंसल वाले आइकन पर जाइएगा। पिंसल वाले आइकन पर जाने के बाद देखिए फ्रेंड, ये ब्रश वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। और देखिए ये जो एक्सपोजर है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। एक्सपोजर पर क्लिक करने में देखिए 7 है ना फ्रेंड, इसको 3 कर देते हैं और फोटो को पूरा जूम कर लीजिएगा। और केवल फेस पर चलाना है, ठीक है फ्रेंड। जो जो हल्का हल्का ब्लैक होगा ना फोटो आपका, तो थोड़ा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अपने फेस पर केवल ये चलाना है, देखिए चलाना है फ्रेंड, फेस पर चलाना है। और यहाँ देखिए यहाँ से डन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो फिर से पिंसल वाले आइकन पर जाइएगा। पिंसल वाले आइकन पर जाने पर फ्रेंड देखिए सेलेक्टिव है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा और फोटो को जूम कर लीजिएगा। जो गर्दन के नीचे ब्लैक है ना फ्रेंड, तो इसको कुछ इस टाइप का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दीजिएगा 30, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से डन कर लीजिएगा। और फिर से पिंसल वाले आइकन पर जाइएगा। पिंसल वाले आइकन पर जाने देखिए डिटेल्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने बाद देखिए स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप का 40 रखते हैं फ्रेंड, 40+। और शार्पनिंग को कुछ इस टाइप का 30+ रखेंगे और यहाँ डन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। डन करने के बाद पूरा वीडियो वॉच करो भाई, पूरा वीडियो वॉच करो तभी समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर से पिंसल वाले आइकन पर जाइएगा। पिंसल वाले आइकन पर जाने में देखिए ट्यून इमेज है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एम्बिएंस कुछ इस टाइप का 70 कर दीजिएगा, 70+, ठीक है फ्रेंड। पूरा वीडियो वॉच करो भाई, पूरा वीडियो वॉच करो तभी समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। 70+ करने के बाद देखिए हाईलाइट को पूरा 0 कर देंगे, हाईलाइट्स को मतलब -100, ठीक है फ्रेंड। और शेडो को पूरा बढ़ा दीजिएगा 100+, और यहाँ डन कर लीजिएगा। और फिर से पिंसल वाले आइकन पर जाइएगा। पिंसल वाले आइकन पर जाने पर देखिए फ्रेंड सेलेक्टिव है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने बाद देखिए फ्रेंड, जो जहाँ जहाँ ब्लैक है ना, कुछ इस टाइप का ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं और यहाँ डन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए अपने पिक को शेयर कर लेते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं अपने लाइट रूम ऐप के अंदर। तो फोटो पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। पूरा वीडियो वॉच करो यार, तभी समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए लाइट वाले ऑप्शन पर जाइएगा। लाइट वाले ऑप्शन पर जाने में देखिए एक्सपोजर है ना, इसको कुछ इस टाइप का 30 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। और कंट्रास्ट को भी 10 कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। पूरा वीडियो वॉच करो यार, तभी समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। हाईलाइट्स को पूरा 0 कर देंगे, 100-, ठीक है फ्रेंड। और शेडो को पूरा 100+ कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। पूरा वीडियो वॉच करो यार, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए ब्लैक वाला ऑप्शन है ना, ब्लैक वाला ऑप्शन कुछ इस टाइप का, देखिए फ्रेंड इसको रखते हैं 40, ठीक है फ्रेंड। इसको 40 रखेंगे। और ये जो व्हाइट वाला ऑप्शन है ना, इसको भी कुछ इस टाइप का 30+ रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। 30+ रखने के बाद देखिए कलर वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद देखिए मिक्स वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जो ग्रीन वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसका सेचुरेशन कुछ इस टाइप का 100 कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। 100 करने के बाद और इसका सेचुरेशन पूरा 100- कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। 100- करने के बाद देखिए फिर येलो वाले ऑप्शन पर आइएगा। येलो वाले ऑप्शन के आने बाद देखिए इसका सेचुएशन कुछ इस टाइप का 40 रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। 40 रखने के बाद देखिए इस वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा, इसका सेचुएशन कुछ 100 कर देंगे, पूरा 100 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। पूरा वीडियो वॉच करो यार। अगर मान लीजिए हम लोग को शर्ट पे कलर लाना है ना, तो इस वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद देखिए इसका सेचुएशन देखिए, अगर इधर करेंगे तो लाइट कम होगा और इधर करेंगे तो लाइट ज़्यादा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो पूरा इसको 100 कर देंगे। 100 करने के बाद देखिए इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, इसका सेचुएशन पूरा 100-0 कर देंगे, मतलब 100-, ठीक है फ्रेंड। और इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, देखिए इसी से फेस वाइट होता है, ठीक है फ्रेंड। इसका लिमिनस कुछ इस टाइप का 40 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। 40 कर दिए हम, 40 हम लोग कर दिए हैं, सॉरी फ्रेंड, 40 कर लिए। और इसका सेचुएशन कुछ इस टाइप का 10 कर देंगे, 10-, ठीक है फ्रेंड। और इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, इसका लिमिनस कुछ इस टाइप का 20+ बढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड। 20+ बढ़ाने वाले यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने में देखिए इस वाले ऑप्शन पर आइएगा। इस वाले ऑप्शन पर आने में देखिए फ़ोटो क्लियर करना है ना, तो यहाँ इसको 20 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। 20 करने के बाद डिजिट को भी थोड़ा सा 10 बढ़ा देंगे। और इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड नॉइज़ रिडक्शन पूरा 100 कर देंगे, 100, ठीक है फ्रेंड। और डिटेल्स को भी पूरा 100 कर देंगे।
और कंट्रास्ट को भी पूरा 100 कर देंगे और कलर नॉइज रिडक्शन को भी पूरा 100 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, पूरा वीडियो वॉच करो यार। और डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसका भी पूरा 100 कर देंगे और स्मूथनेस को भी पूरा 100 कर देंगे। तो फ्रेंड हम लोग का पिक एडिट हो चुका है लाइटरूम ऐप के अंदर, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए पिक को शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने में देखिए फ्रेंड, आज हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, स्मूथ है ना फ्रेंड, इसका 1 2 3 4 5 6 7 वाला ब्रश यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, सेटिंग देख लीजिए, स्टैंड पे 3 रहेगा, फॉलो पे 3 रहेगा और साइज अपने हिसाब से फ्रेंड। ठीक है, और फोटो को जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद देखिए पूरा फोटो को जूम कर लीजिएगा और पूरा वीडियो याद करो यार भाई, तभी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए आप अपने फेस पे कुछ इस टाइप का अच्छे से चलाना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए स्मूथ हो रहा है ना एकदम अच्छे से यार भाई, पूरा वीडियो वॉच करो यार। ठीक है मेरे भाई, पूरा वीडियो वॉच करो तभी समझ में आएगा। ठीक है, साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं और एकदम अच्छे से स्मूथ करना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए हो रहा है ना स्मूथ, एकदम अच्छे से स्मूथ करो यार। अगर मान लीजिए यहाँ ब्लैक है ना, यहाँ ब्लैक है ना, तो इसको मिलाना है तो फोटो को जूम कर लेंगे एकदम ऐसे, देखिए एकदम जूम करके एकदम मिलाइएगा। ठीक है फ्रेंड, अपने ब्रश को चलाएंगे ना तो मिल जाएगा जहाँ जहाँ ब्लैक रहेगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए स्मूथ हो रहा है ना, तो चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग अपने पिक को ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ कर चुके हैं, तो चलिए फोटो को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड फोटो सेव होने के बाद अब हम बताएंगे कि फोटो को हार्ड ब्लर कहाँ से किया जाता है। तो स्नैपशीट के अंदर शेयर कर लीजिएगा, स्नैपशीट के अंदर शेयर करने में देखिए फ्रेंड पिंसल वाले आइकन पर जाइएगा, पिंसल वाले आइकन पर जाने देखिए फ्रेंड लेंस ब्लर है ना, अरे भाई पूरा वीडियो वॉच करो तभी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, लेंस ब्लर पर आ जाइएगा, लेंस ब्लर पर क्लिक करने में देखिए ब्लर को कुछ इस टाइप का 70 रहने देते हैं, 70 फ्रेंड। ठीक है 70 प्लस, और इसको भी कुछ इस टाइप का 70 प्लस इसको भी रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको 70 प्लस रहने देते हैं और इसको कुछ इस टाइप का 30 नहीं, ठीक है फ्रेंड 30 नहीं 40 प्लस रखेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, छोटा ज़्यादा ब्लर बैकग्राउंड हो रहा है फ्रेंड, तो हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं अपने ब्लर को, तो 40 रखेंगे 40 प्लस और इसको छोटा करके अपने शरीर पर रख देना है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने में देखिए फ्रेंड ये जो ये वाला ऑप्शन है ना एरो का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने में देखिए ये जो व्यू एडिट्स है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने बाद लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे, लेंस ब्लर पे क्लिक करने बाद देखिए फ्रेंड इरेजर वाला है ना, ब्रश वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने बाद देखिए फ्रेंड ये आई का एक बट आँख वाला है फ्रेंड। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और फोटो को जूम कर लीजिएगा और अपने बैकग्राउंड पर चलाइएगा। ठीक है फ्रेंड, अपने बैकग्राउंड पर हाथ को चलाइएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसको देखना है तो फ्रेंड इसको ऐसे कर देंगे, देखिए ब्लर होना है ना। ठीक है फ्रेंड, ब्लर हो रहा है ना, तो कुछ इस टाइप का अच्छे से चला लीजिएगा एकदम अच्छे से। देखिए फ्रेंड ब्लर हो रहा है ना, एकदम आसान तरीका है भाई बैकग्राउंड कहाँ से हार्ड ब्लर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ब्लर हो रहा है ना फ्रेंड, एकदम अच्छे से ब्लर कर लीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच करना फ्रेंड तभी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, ब्लर देखिए फ्रेंड ब्लर हो रहा है ना, देखिए पूरा वीडियो वॉच करो यार भाई तभी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए ब्लर हो रहा है ना, तो ब्लर हो गया ना देखिए। अगर मान लीजिए जहाँ जहाँ नहीं लगा है तो यहाँ से साइज कम कर लेंगे और यहाँ से इरेज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर से साइज को 100 कर देंगे और जहाँ जहाँ नहीं लगा है वहाँ वहाँ इस ब्रश को चला लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ नहीं लगा है, देखिए ब्लर हो गया ना फ्रेंड हार्ड ब्लर, यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद देखिए फ्रेंड बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फ्रेंड अपने पिक को शेयर कर लेते हैं पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं अपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर, तो जो जो मैंने PNG यूज किया है बता देंगे फ्रेंड कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ऐड फोटो पे क्लिक कीजिएगा, ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड जो जो मैंने PNG यूज किया बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है फ्रेंड, पूरा वीडियो वॉच करो यार तभी समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फ्रेंड हम लोग PNG जो गोल गोल है ना फ्रेंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक कीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये जो ज़्यादा हो गया ना तो इसको इरेज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से डन कर लेंगे, इसको भी कुछ इस टाइप का सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ इरेजर वाले ऑप्शन पर जानेंगे, इरेजर वाले ऑप्शन पर जाने इसको इरेज कर देंगे और यहाँ से डन कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई,
डन करने के बाद देखिए फिर से ऐड वाले फ़ोटो पर जाइएगा। ऐड वाले फ़ोटो पर जाने के बाद देखिए जो मैंने बल्ब का यूज़ किया है बल्ब PNG उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, पूरा वीडियो याद करो यार, हम सिखा देंगे आपको एडिटिंग एकदम अच्छे से। तो बल्ब वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने बल्ब को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अपने बल्ब पर क्लिक कीजिएगा। बल्ब पर क्लिक करने के बाद और मान लीजिए ब्लैक ब्लैक है ना तो इसको हटाना है तो इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, ब्लेंड है ना इस पर क्लिक करेंगे और इसको स्किन कर देंगे। और कुछ इस टाइप का ये जो गोला गोला है ना इसको अच्छे से लगा देंगे, पता चले कि गोला में बल्ब जल रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसको भी स्किन करके कुछ इस टाइप का इसको लगा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, और इसको भी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, पूरा वीडियो आज करो यार तभी समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, लगाने के बाद और यहाँ से कुछ इसको भी इस टाइप का स्किन कर दीजिएगा। देखिए स्किन है ना हट गया ना बोले, इसको भी लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड हम लोग अभी बटरफ्लाई PNG यूज करने वाले हैं, तो ऐड वाले फ़ोटो पर जाएंगे। ऐड वाले फ़ोटो पर जाने के बाद एक बटरफ्लाई वाला PNG है फ्रेंड, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मिल गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड वाले फ़ोटो पर जाने के बाद देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जूम करेंगे तो बड़ा होगा, इसको भी जूम करके बड़ा कर लेंगे। और इसको अगर मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड, अगर मान लीजिए ये कहाँ गया यार, ये है ना, अगर मान लीजिए इधर इसका मुंह है ना फ्रेंड, तो इसको इधर करना है। देखिए इस पर आएंगे, इस पर आने के बाद देखिए इधर हो गया ना। ठीक है फ्रेंड, तो इसको पहले नहीं, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए अरे यार हो जाओ यार, इसको देखिए फ्रेंड, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड हो गया ना, और इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ बल्ब के ऊपर, और इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए हो रहा है ना, और इसको भी देखिए हो गया ना फ्रेंड, और यहाँ से डन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड डन हो गया ना, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो बता रहे हैं फ्रेंड होंठ को कहाँ से लाल किया जाता है, तो पिक्सा टेप के अंदर भी लाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई होंठ को लाल कहाँ से किया जाता है, तो ब्यूटी वाले ऑप्शन पर आएंगे। ब्यूटी वाले ऑप्शन पर आने के बाद देखिए जो हेयर कलर है ना इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग के बालों में ऑटोमेटिक कलर ले लेगा, तो इसको इरेज कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, इरेजर वाले ऑप्शन पर आने के बाद इरेज कर देंगे। और देखिए मैनुअल है ना इस पर क्लिक करेंगे, और ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला इस पर क्लिक करेंगे और फोटो को जूम कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, और इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देंगे और अपने होठों पे एकदम अच्छे से। देखिए अगर इधर अमाउंट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा लाल हो जाए, तो हम लोग को मीडियम में रहना है, मीडियम में रखना है, सॉरी फ्रेंड मीडियम में रखना है, और यहाँ से डन कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फोटो को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग अपने पिक को काफ़ी अच्छे तरीके से हार्ड ब्लर बता दिए, और पिक को कैसे HD एडिट किया जाता है वो भी मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन PNG का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड बिफोर एंड आफ्टर, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।